खबर कोरबा से है, जहां पर दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरुण उरांव ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा करते हुए परिणाम पर संतुष्टि जताई। उरांव का कहना था कि लोग राष्ट्रवाद के भावनात्मक आवेग में बह गए हैं, इसलिए कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उरांव ने कहा है कि बीजेपी जनता को राष्ट्रवाद के मामले में उलझा दिया है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे और कई ऐसे मुद्दे थे जो कि गौड़ हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रगों में राष्ट्रवाद है लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करती। हम लोगों ने जो आशा किया था लोकसभा में, विधानसभा के बाद में, वैसे रिजल्ट मिले नहीं। और इस समीक्षा के दौरान हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं बूथवार कहाँ पे हम लोगों की वोटिंग परसेंटेज घटी, हमारे ग्रामीण या शहरी इलाकों में, किस इलाकों में विभिन्न समुदाय का कैसा रुझान रहा। ये समीक्षा जब अगले 3-4 दिन के बाद हम लोग पूरा कर लेंगे तो फिर आपस में चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग का भी मेन जो फोकस है, हमारे प्रभारी सचिव महोदय का भी जो फोकस है वो आने वाले चुनाव पर है कि नगर निकाय के और पंचायत के जो चुनाव होंगे उस चुनाव को कैसे जीता जाए, उस पर भी राय शुमारी हुई है और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। कुछ लोगों से और ये अपने ढंग से चर्चा करेंगे, अपनी इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे और फिर अपने अपनी बातों को कांग्रेस हाईकमान को देंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का सबका एक प्रयास है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव हों चाहे पंचायत के चुनाव हों, उसमें प्रचंड बहुमत